दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें आप 1,000 रुपए लगा के अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो, ठीक उसी तरह जैसे Amazon और Flipkart का होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, और आज की वीडियो के लाइक्स एंड कमेंट्स का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 2,000, तो अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताए कि आपको कौन से बिजनेस आइडिया के बारे में कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजकल हर कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण, मैक्सिमम कस्टमर ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद करते हैं। देखिए ऑनलाइन चीजें खरीदने से टाइम भी बचता है और साथ ही साथ एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं चीजें खरीदने के लिए। और दोस्तों दूसरा कारण क्या है, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं वो लोग कस्टमर को कहीं भी टारगेट कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया में कर सकते हैं, सिटी में कर सकते हैं, स्टेट में कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन दोस्तों हर एक के लिए ऑनलाइन बिजनेस खोलना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस खोलने के लिए थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए और साथ ही साथ पैसे की भी जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डोमेन खरीदना होगा, फिर आपको होस्टिंग लेनी होगी, फिर आपको वेबसाइट बनवानी होगी, और दोस्तों गवर्नमेंट के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना ही होता है। अगर ऑनलाइन सामान बेचना है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको प्रोडक्ट की जरूरत होती है, और दोस्तों आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी कस्टमर को पता नहीं होगा कि आपका दुकान कहाँ पे है, स्टोर कहाँ पे है, तो आपको प्रमोशन भी करवाना होता है। क्योंकि जब आप प्रमोशन करवाएंगे तभी तो कस्टमर आपके बिजनेस में आएंगे, वो आपको ऑर्डर करते हैं, उन ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपको कुरियर कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को कुरियर करते हैं तो बीच में वो डैमेज हो जाता है, कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, तो वो भी नुकसान आपका ही होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे तामझाम होते हैं, तो जिन लोगों को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता और साथ ही साथ ज़्यादा पैसे भी नहीं होते वो ये बिजनेस नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई एक कंपनी, उस कंपनी का नाम है TTCT शॉप। अब ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ 1,000 रुपये में ऑनलाइन स्टोर ओपन करके देती है, ठीक उसी तरह जैसे Amazon का होता है और Flipkart का होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये कंपनी आपको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती है, मतलब आपको प्रोडक्ट का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ इन्होंने सब कुरियर कंपनी के साथ भी टाइप किया हुआ है, मतलब आपका कोई कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो इनका कुरियर पार्टनर जाएगा और उस ऑर्डर को डिलीवर कर देगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आप जितने भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उनके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, और कमीशन भी छोटा मोटा नहीं होता है, कमीशन का अमाउंट है 20%। मतलब अगर आपने 500 रुपए का सामान बेचा तो आपका कमीशन हो जाता है 100 रुपया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी एवरी फ्राइडे को जितना भी पेमेंट होता है वो पेमेंट को रिलीज कर देती है। मान लीजिए आपने इस हफ्ते में 10,000 रुपए का माल बेचा तो आपका कमीशन हो जाता है 2,000 रुपया, तो वो 2,000 रुपया आपको फ्राइडे के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए में। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब आपने जैसे ऑनलाइन स्टोर खोला तो आपने 1,000 रुपए पे किए, अगर आपके आसपास में आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहता है तो अगर आप उसको रेफर भी करते हैं और वो आपका रेफर कोड एंटर करता है तो आपको 20% कमीशन मिलता है, मतलब उसका भी आपको 200 रुपया मिलता है। अगर आप किसी को रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस कंपनी के साथ जुड़कर बिजनेस तो कर ही सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं, आपको कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं बेचने के लिए। तो दोस्तों वो सारी चीजें जानने के लिए हमें चलना होगा हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, सबसे पहले आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं TTCTShop.in, आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये कंपनी आपको आपके ऑनलाइन स्टोर में क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करने वाली है और कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अलग अलग टैब दिखते हैं। दोस्तों ये कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बेचती है उनको अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, जैसे कि होम अप्लायंसेस है, किचन टूल्स है, हार्डवेयर टूल्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ब्यूटी केयर है, हेल्थ केयर है, और एसेंशियल गुड्स भी बेचते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। चलिए मैं एक ऐड पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। होम अप्लायंसेस पे जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा हाउसहोल्ड आइटम के अंदर, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर आप किचन टूल्स पे जाते हैं उस पर क्लिक करने के बाद भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, इसलिए फिलहाल इनके पास प्रोडक्ट थोड़े कम है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट और भी इंक्लूड होने वाले हैं, तो आप उन प्रोडक्ट को भी बेच के अच्छा खासा कमीशन कमा पाओगे। इसके अलावा दोस्तों ब्यूटी केयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, हेल्थ केयर में भी मिल जाएंगे, और सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, एसेंशियल गुड्स। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको ये 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें पहला है विश लिस्ट, दूसरा है माई कार्ट, तीसरा है ई वॉलेट बैलेंस। दोस्तों विश लिस्ट और कार्ड के बारे में तो आप खुद जानते होंगे, यहाँ पे कस्टमर को वॉलेट का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब अगर कस्टमर चाहे तो डायरेक्टली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ तो पेमेंट कर ही सकता है,
उसके अलावा वो अपने वॉलेट में पैसे ऐड करके वहां से भी पेमेंट कर सकता है। दोस्तों जितने सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको आपके स्टोर में भी मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपका कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आता है तो वो इजीली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके परचेस कर सकता है और उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप कैसे खोल सकते हैं। आपको अपर राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन दिखेगा ओपन ऑनलाइन स्टोर, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने स्टोर ऑलरेडी बना लिया है तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। हमारे केस में हमने अभी तक स्टोर बनाया नहीं है इसलिए हमें साइन अप करना होगा, और साइन अप करने के लिए क्या क्या डिटेल डालनी होगी चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले नाम एंटर करना होगा, मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। दोस्तों मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको रेफरल कोड भी डालना होगा। रेफरल कोड आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंपनी ने एक स्पेशल रेफर कोड दिया है, आपको सिंपली वो यहाँ पे एंटर करना होगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को ऑनलाइन स्टोर ओपन करने के लिए रेफर करते हैं तो आपको अपना रेफरल कोड डालना होगा। आपका रेफरल कोड क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ईमेल आईडी एंटर करना है, मैं ईमेल आईडी भी एंटर कर देता हूं। और बाद में आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, और उसके बाद में सिंपली आपको साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेमेंट की स्क्रीन आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड तो तुरंत मिल जाएगा लेकिन आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने डेबिट कार्ड के डिटेल यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। दोस्तों डेबिट कार्ड के डिटेल एंटर करने के बाद मुझे सिंपली पे पे क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही पे के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे मुझे ओटीपी एंटर करना होगा। ये ओटीपी मुझे मेरे बैंक की तरफ से मिलने वाला है, मुझे ऑलरेडी मिल गया है, मैं उसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं मेरा ब्रांड न्यू स्टोर ओपन हो चुका है। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा सेलर सपोर्ट नंबर। दोस्तों अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। उसके नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा वॉलेट बैलेंस। दोस्तों आप जितना भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उस पर आपको जो भी 20% कमीशन मिलेगा तो जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा एवरी फ्राइडे को आपका बैलेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो नीचे ऑप्शन दिया है वो है बिजनेस नेम। आप जिस भी नाम से स्टोर बनाना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। चलिए मैं अपनी कंपनी का नाम एंटर कर देता हूँ, पुष्पा प्रकाश फिल्म्स। उसके बाद में सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक करना होता है तो मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों स्टोर का नाम अपडेट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे नाम अपडेट हुआ है तो आपको अपने स्टोर पे जाना होगा। स्टोर पे जाने के लिए देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया है एफिलिएट लिंक। ये जो URL है ये आपके स्टोर का URL है, इसको कॉपी कर लीजिए और एक दूसरे टैब में इसे ओपन करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे स्टोर का नाम यहाँ पे अपडेट हो चुका है, पुष्पा प्रकाश फिल्म्स, और मेरा स्टोर भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लोगो नहीं दिखा रहा है। अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आपको सेलर पैनल में आना होगा, और अपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, और जो भी लोगो लगाने के लिए आपको फोटो सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करना होगा और सिंपली प्रेस अपलोड पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही प्रेस अपलोड पे क्लिक करेंगे विद इन अ सेकंड आपका लोगो अपडेट हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपके स्टोर में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप अपने लिंक पे जाइए और उसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए मेरा लोगो यहाँ पे अपडेट हो चुका है और साथ ही साथ स्टोर का नाम भी आ रहा है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप स्टोर ओपन करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे कुछ और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पर्सनल डिटेल्स। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे, तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। मेरा नाम तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, एड्रेस मुझे भरना होगा, कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट है, पिन कोड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर कौन सा है, और आपका ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे डालना होगा। वो सारे डिटेल डालने के बाद आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए मैं प्रोसीड बैक कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है KYC डिटेल। आपको अपने KYC भी अपडेट करने होंगे। दोस्तों यहाँ पे नाम ऑलरेडी आ चुका है, आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। मैं यहाँ पे फटाफट आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कार्ड इमेज। अभी तक हमने कार्ड की इमेज एंटर नहीं की है इसलिए यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अटैच कार्ड इमेज का जो ऑप्शन है तो यहाँ पे देखिए नीचे चूज फाइल का ऑप्शन है, सिंपली हमें इस पे क्लिक करना होगा, और जहाँ कहीं भी कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आपका जो आधार कार्ड का फोटो होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है और सिंपली अटैच कर देना है, और उसके बाद में अपडेट पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर दोगे आपका KYC अपडेट हो जाएगा और आपको स्क्रीन के ऊपर मैसेज भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। मैं प्रोसीड बैक कर देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे KYC सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे डन का ऑप्शन आ चुका है।
उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बिलिंग डिटेल्स। दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल यहाँ पे अपडेट करने होंगे ताकि जब भी आपको कोई कमीशन मिले वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो हमको सिंपली यहाँ पे अपडेट हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अपडेट हियर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हमको हमारे बैंक डिटेल्स एंटर करने होंगे, जैसे कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक सिटी। मैं सारे डिटेल यहाँ पे फटाफट एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों हमको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना है। आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे और दोस्तों आपने जो भी अकाउंट नंबर एंटर किया होगा उसी बैंक के अंदर आपको पैसा मिलने वाला है। मतलब जो भी कमीशन कमाने वाले हो वो पैसा आपको इसी बैंक अकाउंट के अंदर आने वाला है। तो आपको सोच समझ के अपने बैंक अकाउंट डिटेल को एंटर करना है, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था एफिलिएट लिंक। दोस्तों ये आपका स्टोर का URL है, आप जिस किसी को भी अपने स्टोर के बारे में बताएंगे आपको यही URL शेयर करना होगा। और कोई भी आदमी अगर इस URL से कुछ भी परचेस करेगा तो आपको 20% का कमीशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑर्डर डिटेल्स, आपको कितने टोटल ऑर्डर्स आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं वो दिखेंगे, कैंसिल ऑर्डर कितने वो दिखेंगे, कंप्लीटेड ऑर्डर कितने हैं, रिफंड के कितने रिक्वेस्ट आए, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और देखिए दोस्तों नीचे दो ऑप्शन और दिए गए, एक्टिव रेफरल स्टेटस और इनएक्टिव रेफरल स्टेटस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट करते हो अगर तुझे ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो तू इस वेबसाइट से खोल सकता है। तो दोस्तों जब वो ऑनलाइन स्टोर खोलेगा और पेमेंट एक बार कर देगा तो उसका स्टेटस एक्टिव में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनका स्टेटस आपको इनएक्टिव में दिखेगा। आप देख पाएंगे कि किसने पेमेंट कर दिया है और किसने पेमेंट नहीं किया है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो दोस्तों आपके सेलर पैनल में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मुझे लगता है मैंने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए। चलिए मैं आपको लॉग आउट करके एक बार फिर से लॉग इन करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करना होगा। लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालना होगा और पासवर्ड एंटर करना होगा। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को सजेस्ट करते हो तो आपको रेफरल कोड क्या देना होगा। तो दोस्तों आपका जो यूजर आईडी होगा, मतलब जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से एक यूजर आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। तो जो यूजर आईडी होगा वो आपको एज अ रेफरल कोड उसको देना होगा। और जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन खुल चुकी है। यहाँ पे मेरे पर्सनल डिटेल अपडेटेड है, KYC भी अपडेटेड है, सारे डिटेल यहाँ पे अपडेटेड है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1,000 रुपए में, और आपको कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं सेल करने के लिए और आपको कितना कमीशन मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कीजिए, आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।